नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। आज हम लोग सेल से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो सेल्स का हिंदी नाम कोशिका है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी सेल्स को कहते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी का जो सूक्ष्मतम इकाई है वो सेल्स है, जिसका साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। ठीक है, सेल्स की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ सेल्स रॉबर्ट हुक को कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा था। ओके, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड श्वान, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल सिद्धांत को बनाया था। मॉडिफाइड सेल थ्योरी रुडोल्फ विरको ने दिया था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, स्लाइडेन एंड श्वान के द्वारा जो सिद्धांत बनाया गया था उसमें थोड़े चेंजेस किए थे रुडोल्फ विरको ने। रुडोल्फ विरको को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जानेंगे। फादर ऑफ माइक्रोस्कोप एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को बोलते हैं। ओके, डिस्कवरी ऑफ लाइफ सेल, इन्होंने लाइफ सेल का सबसे पहले देखा था, उनका नाम भी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। टाइप ऑफ सेल डिवीजन टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस वो प्रोसेस जो नए सेल का निर्माण करता है, और मियोसिस एक सेल और स्पर्म सेल का निर्माण करता है। एक सेल और स्पर्म सेल बनाने के प्रोसेस को हम लोग मियोसिस बोलते हैं, और नए सेल बनाने के प्रोसेस को हम लोग माइटोसिस बोलते हैं। ओके, लार्जेस्ट एनिमल सेल ऑस्ट्रिच के एग में होता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच के एग में सबसे लंबी सेल पाई जाती है दोस्तों। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट सेल इन एनिमल आरबीसी रेड ब्लड कार्पस्कल, जो साइज होता है आरबीसी का वो 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है,
तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है एनिमल में पाया जाने वाला, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल प्रोटीन होता है। प्रोटीन से मिल करके हमारा सेल्स बनता है, सेल्स से मिल करके हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से हमारे बॉडी का निर्माण होता है। दोस्तों जो हमारे बॉडी को या बॉडी के सेल्स को बनाने में हेल्प करता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन से मिलकर के हमारा सेल्स बना होता है। पावर हाउस ऑफ सेल्स या पावर हाउस ऑफ एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल जो होता है स्पर्म सेल होता है, और बिगेस्ट ह्यूमन सेल ओवम होता है। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल स्पर्म सेल जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है, बिगेस्ट ह्यूमन सेल्स ओवम, ओवम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है जो सबसे बड़ा ह्यूमन में सेल्स होता है। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल न्यूरॉन है दोस्तों। लार्जेस्ट मतलब सेल्स में सबसे लंबा न्यूरॉन जो कि हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और पेरिफेरल नर्व्स में प्रेजेंट होता है। अनडिवाइडेड सेल भी न्यूरॉन में होते हैं। न्यूरॉन को अनडिवाइडेड सेल इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि एक बार डैमेज होने के बाद न्यूरॉन्स रिकवर नहीं होता, मतलब उसमें सेल्स डिवीजन नहीं होता। न्यूरॉन एक बार डैमेज हो गया तो डैमेज हो गया। ओके, फास्टेस्ट सेल डिवीजन लीवर में होता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो डैमेज होने के बाद फिर से एक नया लीवर का निर्माण कर लेता है, मतलब आधा लीवर अगर हमारे बॉडी में है, आधा डैमेज है, डैमेज पार्ट को अगर निकाल दें तो जो लीवर का पार्ट बचा हमारे बॉडी में उससे एक नए लीवर का निर्माण हो जाएगा, पूरा अपना स्ट्रक्चर बना लेगा। इसीलिए सबसे फास्टेस्ट सेल डिवीजन जो होता है हमारे लीवर में होता है, और जो सेल डिवीजन नहीं होता वो न्यूरॉन में होता है। ठीक है, हाउ मेन सेल आर ह्यूमन बॉडी, थर्टी टू फोर्टी ट्रिलियन सेल्स, 30 to 40 trillion सेल्स से मिलकर के हमारे ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ है, और ये अप्रोक्सीमेट 37.2 trillion सेल्स, 37.2 trillion सेल्स ये जो है अप्रोक्सीमेट एवरेज होता है। हाउ मेनी सेल्स आर इन मेल, 36 trillion सेल्स। एक मेल बॉडी का निर्माण करने के लिए 36 trillion सेल्स की आवश्यकता होती है। हाउ मेनी सेल्स आर इन फीमेल, 27 trillion। ठीक है, एक फीमेल बॉडी में 27 trillion सेल्स पाए जाते हैं। हाउ मेनी सेल्स आर इन चाइल्ड,
ट्रिलियन सेल्स, ठीक है, चाइल्ड में 17 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हमने डिस्कस किया अभी सेल्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।